नमस्कार, मैं संजीव चतुर्वेदी, मेरे चैनल फेसअप लाइफ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पेंशन सुधारों पर एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की अध्यक्षता सौंपी थी डॉक्टर टीवी सोमनाथन को। डॉक्टर सोमनाथन ने 100 से अधिक जो कर्मचारी संगठन है उनसे बात की, स्टेट के जो कर्मचारी संगठन है उनसे बात की और एक रिपोर्ट पेंशन सुधार के मुद्दे पर सरकार को सौंपी। और अभी हाल में उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की, का नाम है UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। आइए जानते हैं कि इस पेंशन योजना के क्या हाइलाइट्स हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है। पहला हाइलाइट कि अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी पूरी कर ली, उसका सर्विस पीरियड 25 ईयर्स हो गया, तो उसको आखिरी 12 महीने की जो एवरेज सैलरी है उसकी बेसिक, उसकी 50% पेंशन बनेगी। उसके ऊपर DR, डियरनेस रिलीफ, महंगाई का पार्ट रहेगा उसमें, जो उसके पेंशन का पार्ट हो। मोटे रूप में अगर समझे तो यदि किसी कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक 1 लाख रुपए आती है तो उसकी पेंशन बनेगी 50,000 रुपए प्लस डियरनेस रिलीफ। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है तो वह पेंशन प्रोपोर्शनेटली कम होती जाएगी। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखा गया कि किसी की भी पेंशन 10,000 रुपए महीने से कम नहीं बने। महंगाई वैसे जैसे बढ़ती है, ये जो DR है उसको पार्ट ऑफ पेंशन कहा गया और इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का लाभ इसको दिया गया और ये भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा महंगाई के साथ साथ। बात ग्रेच्युटी की करें, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक मुफ्त मिलकर लमसम पेमेंट होता है, तो यदि किसी कर्मचारी की 30 साल नौकरी हो चुकी है पूरी, तो उसको आखिरी महीने की सैलरी का 6 गुना और उस सैलरी में जोड़ेगा बेसिक और DA, वो पेमेंट इस योजना के तहत होने वाला है। यदि किसी कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए 60% फैमिली पेंशन का भी प्रोविजन इसमें है और इस पूरे तंत्र को संभालने की जिम्मेदारी PFRDA, जो भारत सरकार की एक संस्था है, पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको दी गई। मेरी कुछ कम उम्र के बच्चों से बात हुई जिन्होंने भी हाल में ही नौकरी ज्वाइन किया, उनके मन में बड़ा उहापोह है क्योंकि उनका जो NPS का कंट्रीब्यूशन है वो 12 से 16% का ग्रोथ दिखा रहा है, तो उनके मन में बड़ा उहापोह है कि वो NPS में जाए कि UPS में बने रहे। और इस UPS में किसी कर्मचारी पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला, उसका तो 10% रिडक्शन हो रहा था, वो NPS में उसी तरीके का डिडक्शन इसमें भी होगा। हाँ, सरकार ने पेंशन फंड में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है, जो कंट्रीब्यूशन पहले 14% था उसको बढ़ाकर 18.5% करने का प्रोविजन किया गया है। साथ में ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर सरकार इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएगी, और बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी लोडिंग सरकारी खजाने पर पड़ने ही वाली। 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट और 90 लाख स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा PSUs के कर्मचारी, ये सब इससे लाभान्वित होने वाले हैं। यदि कोई कर्मचारी 2004 NPS जो लिया उसने, उसके तहत लिया उसने और रिटायर हो गए और वो UPS में आना चाहता है, तो उसको भी आने की स्वीकृति मिलेगी और उसको जो उसका एरियर होगा पेंशन का वो भी दिया जाएगा, और वो भी विद इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट होगा PPF अकाउंट के इंटरेस्ट के बराबर, जो इस वर्ष 7.1% है। एक उम्मीद जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, उनके लिए भी आ गई है। जिस तरह NPS में उनको शामिल किया गया, उनकी इच्छा है कि शायद UPS में भी इसी तरह उनको इन्वॉल्व किया जाए। दो कन्फ्यूजन है अभी इस स्कीम में, जिसके कारण इसका कभी कहीं विरोध हो रहा है।
एनआईडीआर को लेकर। इस डीआरएस रिलीफ का क्या कंपोनेंट होगा, क्या परसेंटेज होगा, किस तरह में बढ़ेगी, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन सरकार से अपेक्षित है। इसी तरह जो कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन होती है, सरल भाषा में कहें तो जो पेंशन बिल से दी जाती है उसका नकदीकरण कर लिया जाता है, 1/3 पेंशन कम्यूट होती है और उसकी कैश वैल्यू एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय लमसम मिल जाती है, उसके बारे में अभी कोई प्रोविजन क्लियर नहीं। ये दो चीज़ें सरकार को क्लियर करनी पड़ेंगी। एक और मुद्दे पर योजना का विरोध हो रहा है, तो वो है हमारे देश के माननीयों की पेंशन। जितने भी मंत्री हैं, माननीय संसद सदस्य हैं, विधायक हैं, इनको पेंशन ओपीएस के अंतर्गत क्यों मिल रही है, इस बारे में निश्चित रूप से सरकार को विचार करना पड़ेगा। ये पेंशन योजना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASAP लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।